राहुल गांधी प्रयागराज में आयोजित संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले सुल्तानपुर के मूची रामचरित की कहानी सुनाई, जिनसे उन्होंने मुलाकात की थी, और फिर अपने प्रिय विषय जातीय जनगणना पर आ गए और अजीबोगरीब दावे करने लगे। जिस तरह बजट सत्र के दौरान उन्होंने हलवा सेरेमनी की तस्वीर शेयर की, अजीब बयानबाजी शुरू कर दी थी, उसी तरह से अब राहुल गांधी को मिस इंडिया प्रतियोगिता के विजेताओं को लेकर बिना जाने समझे दावे करने शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने कहा कि 90% लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। मैं तो मिस इंडिया की लिस्ट देख रहा था, उसमें कोई दलित, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक है ही नहीं। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से सिर्फ आबादी का पता चल सकेगा और हम ये जानना चाहते हैं कि किस चीज किन किन लोगों की कितनी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जाति जनगणना करानी पड़ेगी। सम्मेलन में सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 90% लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, अल्पसंख्यक भी इसी में आते हैं। मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, मुझे लगा इसमें तो एक दलित, एक आदिवासी महिला तक नहीं। मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और मिस इंडिया बनने वालों में 90% वालों की संख्या का पता चलनी चाहिए। संविधान को 10% वर्ग वालों ने नहीं बल्कि 100% वालों ने बनाया है। राहुल गांधी के इस अजीब बयान के बाद बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने राहुल गांधी के दावे की हवा निकाल दी। तजिंदर पाल बग्गा ने आजादी के बाद से अब तक उन महिलाओं की लिस्ट शेयर की जिसमें मिस इंडिया का क्राउन पहना गया। इसमें कई नाम शामिल हैं। तजिंदर बग्गा ने लिखा, बेवकूफ हैं वो लोग। राहुल गांधी बेवकूफ हैं, लेकिन बयान से पहले कम से कम पढ़ाई कर लेता तो इतनी जग हसाई न होती। चलो इसका थोड़ा ज्ञान वर्धन कर देते हैं। इस देश में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 1947 में शुरू हुई, जिसमें अल्पसंख्यक समाज की बहनें विजेता बनी। उन्होंने जो लिस्ट साझा की उसमें एस्टर, विक्टोरिया अब्राहम, इंद्रानी रहमान, फेरियल करीम से लेकर नायरा मिर्जा, अंजुम मुमताज, फरजारा हबीब, सोनू वालिया, गुलपनाग, सराहा जेन डायस, नवनीत कौर ढिल्लन तक के नाम हैं। इंद्रानी रहमान की फेरियल करीम शादीशुदा होने के बावजूद मिस इंडिया बनी थी। इसमें इंद्रानी की 6 साल की बेटी भी थी। इंद्रानी ने मिस इंडिया बनने के सालों पहले महज 15 साल की उम्र में हबीब रहमान नाम के एक आर्किटेक्ट से 1945 में शादी की थी। ठीक उसी तरह से करीम भारत लेबनीज मूल की क्रिश्चियन थी, लेकिन शादी के बाद मुस्लिम बन गई थी। उसके बाद मिस इंडिया बनी थी। मतलब कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को लेकर राहुल गांधी ने पूरी तरह से झूठ बोला। ये झूठ उन्होंने जानबूझकर बोला या फिर तथ्यों को नहीं जानने की वजह से, ये तो वे खुद ही बता सकते हैं। लेकिन जातीय जनगणना को लेकर जो तर्क दे रहे हैं, कम से कम वो तो सही तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि 90% लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। उनके पास हर तरह की प्रतिभा मौजूद है, लेकिन वे फिर भी सिस्टम से जुड़े नहीं। यही कारण है कि हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि वे जाति जनगणना कराएंगे और इसमें ओबीसी वर्ग को भी शामिल करेंगे। पहली बात तो ये कि जातिगत जनगणना में ओबीसी का जिक्र करना ही काफी नहीं है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारे लिए जाति जनगणना सिर्फ जनगणना नहीं, ये नीति निर्माण का आधार है। ये समझना जरूरी है कि धन का वितरण कैसे हो रहा है। ये पता लगाना भी जरूरी है कि नौकरशाही, न्यायपालिका, मीडिया में ओबीसी, दलितों और श्रमिकों की भागीदारी कितनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।